बादशाह अमन, आप बहुत खुशनसीब हैं। आपके घर में एक इंसान के रूप में फरिश्ते ने जन्म लिया है। आपके घर का यह चिराग एक ऐसा सूरज बनेगा जिसकी रोशनी से बुराई के सारे अंधेरे दूर हो जाएंगे। ये बच्चा नेकी और अच्छाई की सारी ताकतें लेकर पैदा हुआ है। ये दुनिया को इंसानियत का पैगाम देगा। हम इसका नाम हातिम रखते हैं। यास्मीन, दुनिया को तबाही और बर्बादी से बचाने के लिए इस वक्त हातिम की शादी से ज्यादा जरूरी है इसके दज्जाल की ताकत को रोकना। दुनिया के सात कोनों में सात ऐसे सवाल छुपे हुए हैं जिनका जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। वो सात सवाल ही शैतानी ताकत का राज हैं। अगर उस शैतानी ताकत को खत्म करना है तो एक एक करके उन सातों सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। खोबो को अपने साथ ले जा। नहीं 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 नहीं, खोबो नहीं जाएगा और इस शहजादे के साथ खोबो हरगिज नहीं जाएगा। तुमने कभी सुना है कि सवाल का पता नहीं लेकिन जवाब ढूंढने निकल पड़े हैं? वो भी एक नहीं, सात सात सवाल। चल होबो। अब देख नेकी की एक बूंद की ताकत। मेरे ही रिश्ते को देखकर लोग दीवानगी में कहते हैं, एक बार देखा है बार बार देखने की हवस है। इसका मतलब तुम ही मेरे पहले सवाल का जवाब हो। सवाल का जवाब नेकी कर और दरिया में डाल। तू मेरे हाथ से नहीं बचेगा। मुझे छोड़ दो। दूसरों को गुलाम बनाने वाला आज खुद गुलाम बन गया है। इसी को कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। खुबो,
हमें तीसरे सवाल का जवाब मिल गया। बोलते पहाड़ कोहिनूर का यही राज। अरे हातिम, कोहिनूर तो हमारा चौथा सवाल था, इसका जवाब तलाश करने हम निकले थे। अजनबियों से मिलने से मेरा बेटा थोड़ा कतराता है। हुबो, सच कहने में ही राहत है, तमीजों ही तुम्हारे सवाल का जवाब था हातिम। हातिम में दज्जाल के पांचवें सवाल का जवाब मिल गया। कहरमान से हिफाजत के लिए आलिम ने इसे यहां मुर्गाबी के अंडे समान मोती में बंद करके रखा था। मुर्गाबी के अंडे के समान मोती, यही तुम्हारे छठे सवाल का जवाब है हातिम। हातिम, दज्जाल का सातवां सवाल है, क्या जो नसीब में लिखा है वही होता है, या इंसान अपनी मेहनत से, ताकत से, सोच से नसीब का लिखा बदल सकता है? क्या हूं मतलब है इसका? हातिम की मौत दज्जाल के हाथों लिखी। अगर इसे सातवें सवाल का जवाब पाना है तो इसे मरना हो। अरे लेकिन हातिम, ये जंग कोई और भी तो लड़ सकता है। कयामत के दिन जब खुदा मुझसे पूछेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा कि जब दुनिया को मेरी जरूरत थी तो मैं अपनी मौत के डर से अपनी महबूबा की जुल्फों में छिप गया था? दिनों बाद तुम्हें देख रही हूँ, अपनी माँ के एक बार भी याद नहीं आई तुम्हें। हुजूर, हमारे पास वक्त बहुत कम है। जज्बात फर्ज से बड़े नहीं होते, बल्कि फर्ज के रास्ते पर जज्बातों की रोशनी अंधेरों का कम करती है। उन अंधेरों से पूछो। मुझे जाना ही पड़ेगा। नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मुझे तुम पर नहीं, तुम्हारी मौत पे तरस आ रहा है। आज की रात तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। दज्जाल,
अब तेरी तलवार नेकी का सीना चीर कर भी बदी की हिफाजत नहीं कर सकती। सारी दुनिया को दिखा दिया है कि इंसान चाहे तो अपनी सोच से, अपनी हिम्मत से, अपनी कोशिश से, अपनी तकदीर से, अपनी तकदीर बदल सकता है। यही है तुम्हारे सातवें सवाल का जवाब।